उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। धामी सरकार से इस साल का अंतिम बजट आज पेश होने पहले किसान उत्तराखंड की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों का कहना है कि उनको डीजल, बिजली और पानी के मूल्य में छूट मिले, वही फसलों के उचित भाव मिलने को लेकर भी उत्तराखंड के किसान इस बार धामी सरकार से राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। किसान होने के नाते ये कहेंगे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलो, उसकी फसलों के अच्छे भाव मिलो, और जो भी ये पेस्टिसाइड में खुलेआम लूट मचाई हो रही या ख़त्म हो, सरकार इसमें कोई सब्सिडी दे। और सब्सिडी इसी चीज़ पर नहीं, जो कृषि यंत्र हैं हमारे उन पर भी सरकार हमें सब्सिडी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से। वैसे तो कोई सरकार किसान के फेवर का बजट पेश नहीं करती, लेकिन होना चाहिए। मेरी राय से जो बजट पेश होना चाहिए वो कम से कम ऐसा होना चाहिए। अब जिससे गन्ना हो, गन्ने पर हमें कुछ ऐसी सुविधा मिले, जैसा दवाई हो, खाद हो, इनकी सुविधा मिलो, गन्ने पर सब्सिडी मिलो। दूसरा डीजल हो, अब भाव बढ़ाते रहेंगे, डीजल के बढ़ते रहेंगे, सब्सिडियों के बढ़ते रहेंगे, बजट ये पेश करो जाएंगे। और डीजल अगर महंगाई करते रहे तो हम कोई लाभ नहीं होने का। हम डीजल पर अच्छी खासी सब्सिडी दे, हमारा एक कार्ड बनाना चाहिए, किसान को डीजल पर सब्सिडी दे, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी दे, खाद और बीज पर सब्सिडी मिले।